विश्वं दर्पण दृश्यमानमगरी तुल्यं मदान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनः यक्षाक्षात्कृते प्रबोधसमयेष्वात्मा तस्मै श्रीगुरुमूर्ते स्वर्ण को कभी पहचान ही नहीं सकेंगे। वो तो स्वर्ण में आरोपित जो एक रूप है, एक आकृति है, उसी को सोना मान बैठेंगे। और यदि सभी रूपों में ईश्वर को पहचान लेंगे, सोने को पहचान लेंगे सब रूपों में, तो सचमुच स्वर्ण को पहचान लेंगे। ईश्वर के बारे में एक खास बात यह है कि भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति, हम लोग वैदिक संस्कृति कहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति विश्व संस्कृति है, मानव संस्कृति है। वो किसी देश से काल से परिच्छिन्न नहीं है, सार्वभौमा आदरकम। तो वैदिक संस्कृति के अनुसार जो ईश्वर है वो इस जगत का उपादान भी, मानी मसाला भी है। ईश्वर केवल जगत को बनाने वाला ही नहीं है, जगत के रूप में बनने वाला भी है। का परिणाम यह होता है कि जितने भी रूप हैं वे सब ईश्वर के हैं। तो मिट्टी में भी हम ईश्वर की पूजा करते हैं, ये सालक ग्राम है, शिवलिंग है। जल में पूजा करते हैं, ये गंगा है, ये समुद्र है। अग्नि में पूजा करते हैं, ये सूर्य है, ये अग्नि है, ये चंद्रमा है। वायु में भी भगवान की पूजा करते हैं, ये हमारे प्राण के रूप में परमेश्वर है। आकाश के रूप में भी ईश्वर की पूजा होती है, वो हमारा हृदय आकाश है। तो मूर्ति पूजा का सिद्धांत मूलतः ये है कि सर्व रूप में परमात्मा ही है। तो चाहे हम उसको मछली, कछुआ, गरा, सिंह, अगर ग्रीव,
परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि किसी भी रूप में पूजें वो है ईश्वर ही। हमारी ईश्वर भावना होनी चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये वैदिक संस्कृति है। माता भी ईश्वर है, पिता भी ईश्वर है, गुरु भी ईश्वर है, जिससे हमको जन्म मिलता है, शिक्षा मिलती है, आनंद मिलता है, स्नेह मिलता है, पोषण मिलता है। और केवल शरीर को ही नहीं, हमारी बुद्धि को भी वो उदात्त भावना मिलती है जिसमें राग द्वेष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो मूर्ति पूजा या अवतार की पूजा जो है वो ईश्वर के एकांगी पने को मिटाने के लिए है। दूसरे मजहब है और कहेंगे ईश्वर तो निराकार ही है, साकार नहीं। फिर कोई मजहब है तो कहेगा शिव ही है, विष्णु नहीं। कोई मजहब कहेगा देवी ही है, सूर्य ही, सूर्य नहीं। ये जो फिरका परस्ती है और ये जो परिच्छिन्न कतरा कतरा टुकड़ा टुकड़ा ईश्वर को बांटने वाले ये जो छोटे छोटे पंथ हैं, ये सब के सब वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत समा जाते हैं। हमारे हृदय में भगवत बुद्धि हो, किसी भी रूप में हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। इसलिए विविध देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, अवतार पूजा, इससे ईश्वर की जो समग्रता है वो प्रकट होती है। और केवल निराकार मान लेने से या साकार मान लेने से या साकार में कोई शिव विष्णु मान लेने से ईश्वर की परिच्छिन्नता ही प्रकट होती है, पूर्णता प्रकट नहीं होती। इसलिए सर्व रूप में ईश्वर की पूजा करना, पशु रूप में भी ईश्वर की पूजा होती है, मनुष्य रूप में भी ईश्वर की पूजा होती है, देवता रूप में भी ईश्वर की पूजा होती है। ये तो बड़ा उदार, बड़ी उदात्त दृष्टि है कि हम अपने हृदय को ईश्वर में कैसे भी बना सकते हैं किसी भी निमित्त से। ये दृष्टिकोण बहुत उदार है। और जो लोग ईश्वर को केवल सातवें आसमान में मानते हैं उन लोगों के लिए इसको समझना थोड़ा कठिन है। ऐसा है कि ये बाहर की चीजों को देख करके ये देवता का रूप अलग है, उसकी पूजा की प्रक्रिया अलग है, उसका नाम अलग अलग है, स्थान अलग अलग है, ये देखकर पूजा का निर्णय नहीं होता। पूजा का निर्णय होता है जो पूजा करने वाला है उसके अधिकार को, उसकी योग्यता को, उसकी प्रकृति को और उसके पूर्व संस्कार को देख करके। ईश्वर तो सब है, परंतु उसकी पूजा की कौन सी मूर्ति, कौन सा प्रकार इस अधिकारी के लिए ठीक ठीक उचित होगा ये देखना पड़ता है। इसलिए जो लोग बाहर की चीजों को बहुत महत्वपूर्ण समझ के और उन्हीं की ओर आकृष्ट हो जाते हैं उनकी निष्ठा टिकाऊ नहीं होती। उनके उनकी मूर्ति बदल जाएगी, चित्र बदल जाएंगे, देवता बदल जाएंगे, मंत्र बदल जाएंगे,
जब अधिकारी जो करने वाला है उसकी योग्यता का संपूर्ण निरीक्षण करके कि इसने पूर्व जन्म में कोई उपासना की है कि नहीं, अनुष्ठान किया है कि नहीं, इस जन्म में इसके माता पिता के संस्कार कैसे रहे हैं और इसका संग साथ कैसा रहा है, रुचि कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, उसको देख करके अनुष्ठान का निर्णय करना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि ईश्वर सर्व है और सबका कारण भी है। अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा, भगवान ही इसके प्रभव है, भगवान ही प्रलय है। माने भगवान से पैदा हुआ और भगवान में मिल जाता है, तो पैदा होने वाला सिर्फ होवे तब तो कुम्हार की तरह ईश्वर अलग भी हो सकता है, लेकिन जब प्रलय का स्थान वही होता है माने मिलता उसी में है, तब वो मिट्टी की तरह मानना पड़ेगा उसको। तो ऐसी स्थिति में जो सबका प्रेरक है और जो सब में कपड़े में सूत की तरह व्याप्त है, यत प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, ऐसे परमात्मा की आराधना सर्व भाव से होती है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, अथवा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जब भगवान सब है और उसके पूजा की प्रक्रिया सब है, तो उसमें इस व्यक्ति के लिए कौन सी पूजा की प्रक्रिया सुगम होगी जिसमें ये आरूढ़ हो सके, तो योग्यता के भेद से अनुष्ठान के भेद होते हैं, कामना के भेद से भी अनुष्ठान के भेद होते हैं, सत्व रज तम प्रकृति के भेद से भी अनुष्ठान के भेद होते हैं। और ये तो कितनी बढ़िया बात है कि एक जंगल में रहने वाला, पर्वत में रहने वाला अपनी परंपरागत पद्धति से और बिना शास्त्र पढ़े और बिना ब्राह्मणों के पहुंचे अपनी परंपरा के अनुसार ईश्वर की पूजा कर लेता है। आसामी लोग दूसरे ढंग से करते हैं, उड़ीसा के लोग दूसरे ढंग से करते हैं, ऐसे ऐसे देवताओं के नाम सुनने में आते हैं तमिलनाडु में, केरल में, कुछ आंध्र में, कुछ कन्नड़ में, कि आपने संभव है उनको सुना हो न सुना हो, तो भगवान के नाम अलग होना, मंत्र अलग होना, उनकी पूजा की पद्धति अलग अलग होना। अब तिब्बत के लोग दूसरे ढंग से पूजा करेंगे, बंगाल के लोग दूसरे ढंग से करेंगे, महाराष्ट्र के लोग दूसरे ढंग से करेंगे, इससे निष्ठा शिथिल नहीं होती है, बल्कि निष्ठा में जो अत्यंत उदार विचार हैं उनका उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। महाभारत में एक श्लोक है, यम पृथक धर्म चरणा पृथक धर्म फलैषिण पृथक धर्म समर्चन्ते तस्मै धर्मात्मने नमः। पृथक पृथक धर्म का आचरण करने वाले लोग और पृथक पृथक फल की इच्छा रखने वाले लोग और पृथक पृथक प्रकार से पूजा करते हैं परमेश्वर की, वो सर्वधर्म रूप जो परमेश्वर है उसको हम नमस्कार करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं वो भी ईश्वर की पूजा की एक प्रक्रिया है, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। जो लोग गिरजाघर में जाके प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो भी एक पूजा की प्रक्रिया है,
दुशाक्त गणपत शैव वैष्णव कोई नए नए देवताओं का नाम उनको इस समय नहीं आ रहा है पूजा करते हैं वो भी सर्व है हाँ सर्वैव जयन्ति त्वाम सभी परमेश्वर की पूजा करते हैं। हमारा दृष्टिकोण तो ये है कि जे अन्य देवता भक्ता जो दूसरे दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं ते भी मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम वे भी भगवान की आराधना करते हैं। और अर्जुन ने तो प्रश्न ही कर दिया ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि जो लोग शास्त्र विधान छोड़ करके और श्रद्धा के साथ आपकी आराधना करते हैं उनकी निष्ठा क्या होगी। अब आप देखो ये आप एक जो एक किताब को ही केवल धर्म ग्रंथ मानने वाला है वह क्या इस प्रक्रिया को स्वीकार कर सकता है कि जे शास्त्र विधि उत्सृज्य कुरान शरीफ को छोड़ दो या बाइबल को छोड़ दो या हमारे पुरोहिती कर्मकांड को छोड़ दो और दस्तूरी कर्मकांड को छोड़ दो और हृदय में श्रद्धा हो तो श्रद्धा से ही सात्विक निष्ठा बन सकती है। इतना उदार और इतना उदात्त दृष्टिकोण वैदिक संस्कृति का है जो सबको स्वीकृति दे। नृत्य में लड़की को उठाकर ले भागने वाले को जैसा कि आदिवासियों में होता है और हमारे अपहरणकर्ताओं के आचार्य भगवान श्री कृष्ण और मंडप में विवाह करने वाले भगवान राम और बंगाल के भोजन आच्छादन और वृंदावन के वैष्णवों के भोजन आच्छादन सबको अपने अंदर स्वीकृति देने वाला इतना उदार वैदिक संस्कार इतनी उदार वैदिक संस्कृति उसमें कहीं राग द्वेष के लिए मार धाड़ के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सबका समान आदर है अपनी निष्ठा में स्थित होना चाहिए। स्वेष्वे अधिकारे जा निष्ठा सगुण परिकीर्तिता अपने अपने अधिकार के अनुसार अपनी निष्ठा में दृढ़ होना चाहिए क्योंकि सबकी निष्ठा समान ही होती है उसको बदलने में ही एक निष्ठा का अपमान होता है। निष्ठा को बदलने में निष्ठा का अपमान होता है निष्ठा में दृढ़ रहने से तो निष्ठा का अपमान नहीं होता। स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धि लभते न रहा स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तत्क्षणो नारायण। पांव को अपनी निष्ठा में रहना चाहिए कि वो सारे शरीर को लेकर चले हाथ को अपनी निष्ठा में रहना चाहिए कि जहां आके मच्छर बैठ जाए उसको उड़ा दे वहां से मार दे मारने में भी कोई आपत्ति नहीं है। और नारायण पेट का ये काम है कि भोजन को पचा करके पांव को भी दे और सिर को भी दे आंख का ये काम है कि पांव को रास्ता दिखावे कान का ये काम है कि सुनी हुई विद्या सारे शरीर में क्रियान्वित करे तो ये सिर सिरोभाग ब्राह्मण के रूप में ज्ञान सबको देता है और हाथ जो है क्षत्रिय के रूप में सबको रक्षा देता है और उदर जो है वो सबको भोजन देता है पांव जो है वो सबको सेवा देता है। नारायण इसमें निष्ठा की शिथिलता नहीं है इसमें तो निष्ठा का अत्यंत उत्कृष्ट रूप है कि जो जिस योग्य है नारायण उस योग्यता का ठीक ठीक सदुपयोग करे सब जड़ी बूटियां औषध के काम में आवे
सब अक्षर मंत्र के काम में आवे और सब व्यक्तियों में जो अपनी अपनी योग्यता है उसका देश के लिए और जाति के लिए नारायण और मानवता के लिए, मानवता मूल है, उसी में जातियां कल्पित होती हैं, उसी में संप्रदाय कल्पित होते हैं, उसी में अपना पराया कल्पित होता है। मानवता जो है वो मूल है। अपनी मनुष्यता की रक्षा करते हुए आप चाहे जिस रीति से अनुष्ठान करें और जिस रीति से भगवान की पूजा करें, वो सब का सब योग्य है और उसमें शिथिल होने का कोई कारण नहीं है। बल्कि ये बात उल्टी देखने में आती है कि जो लोग अपनी निष्ठा को सर्वस्व मान के दूसरों को भी उसी में भर्ती करना चाहते हैं, वे लोग मार काट ज्यादा करते हैं। नारायण नहीं, ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे रहना, नारायण ये जो आयरलैंड और कहाँ जो लड़ाई होती है दो पंथों की, हमको तो इतिहास भूगोल तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है ये हम समझते हैं निष्ठा की कट्टरता के कारण ही होती है। यदि ये देखें कि सबकी अपनी अपनी निष्ठा में गुण है और उनके लिए वो ऊपर ले जाने वाला है, हम उनकी निष्ठा में दस्तंदाजी न करें, वे हमारी निष्ठा में दस्तंदाजी न करें, अपने अपने ढंग से सब लोग ईश्वर को प्राप्त करें। एक कठिन बात तो यह है कि ईश्वर किसी का देखा हुआ तो होता नहीं है, कोई उनको मान लेता है, कोई उनको मान लेता है, और उस मान्यता को ही देखकर ईश्वर प्रसन्न होता है और उनके बीच में प्रकट हो जाता है। तो दूसरे की मान्यता को कोई दोष नहीं देना और अपनी अनुष्ठान निष्ठा में रहो, देखो उससे अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी की सिद्धि होती है। निष्ठा होनी चाहिए। तो अंतर्मुखी ध्यान, मंदिरों में पूजा, नाम संकीर्तन आदि भिन्न-भिन्न साधन भिन्न-भिन्न युगों में प्रधानता प्राप्त करते हैं। आज के युग में सबसे कल्याणकारी साधना के रूप में क्या मानव सेवा को स्वीकार किया जाना ही पर्याप्त न होगा? इसमें भी अपनी अपनी योग्यता काम देती है। देखो कोई सेवा करना चाहते हैं संपदा, और कोई सेवा करना चाहते हैं शरीर की, और कोई सेवा करना चाहते हैं अंतःकरण। हमारे मन में काम न रहे, क्रोध न रहे, लोभ न रहे, मोह के बश होकर हम पक्षपात न करें, द्वेष के कारण क्रूरता न करें। तो ये जो संस्कृति है वो केवल कपड़ा किस ढंग से पहना जाए या मकान कैसा बनाया जाए, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार मकान बनाए, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार वस्तु बनाई गई है, ये बात दूसरी हुई। और भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा अंतःकरण बने, ये बात दूसरी हुई। प्रश्न क्या था? तो सेवा में भी जो हमारे अज्ञान को दूर करने की योग्यता रखते हैं उनको अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान दूर करने की सेवा करनी चाहिए, और जो हमारे हृदय में सद्भाव भरने की योग्यता रखते हैं उनको सद्भाव भरने की सेवा करनी चाहिए, और जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने की योग्यता रखते हैं उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रयास करके हमारा सेवा करनी चाहिए। सेवा तो ठीक है, परंतु वो सेवा में चार भेद होते हैं। एक तो होता है सद्भाव की सेवा, सत की सेवा। सत की सेवा क्या है कि एक तो हम
मरने को डरे नहीं। ये भाव सबके हृदय में होना चाहिए, मृत्यु का भय निकल जाना चाहिए, एक सेवा है। और दूसरे को डराना नहीं चाहिए मृत्यु के लिए, ये भी एक सेवा है। और हम जीते रहें और दूसरे भी जीते रहें, माने जीवन की वृद्धि हो। इसमें अन्न चाहिए, औषध चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, इसके लिए खेती चाहिए, इसके लिए व्यापार चाहिए, ये भी एक सेवा है। ये जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, वो भी, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र मिले, मकान नहीं है उनको मकान मिले, औषध नहीं है उनको औषध मिले, इन उद्योगों की मूल प्रेरणा यही है, सेवा की भावना से ही ये बनते हैं। परंतु जब उसमें सेवा करने वाले लोग सेवा को दूसरों की ओर न हटाकर बांटते नहीं है, जब उसका फल अपनी ओर खींचने लग जाते हैं, तब वो सेवा का रूप और संस्कार की जगह विकार हो जाता है, संस्कृति की जगह विकृति हो जाती है। इसलिए मरने को डरो मत, डराओ और स्वयं जीवो और दूसरों के जीने की व्यवस्था करो। ये सद्भाव की सेवा है, क्योंकि सत्ता सब में रहती है। नारायण इसमें उत्पादन और चिकित्सा और स्वास्थ्य चरित्र सब आता है। दूसरी बात है कि हम स्वयं अज्ञानी बेवकूफ न रहें और दूसरों को बेवकूफ न बनाएं। जो हम दूसरों के अज्ञान से लाभ उठाते हैं और स्वयं अज्ञानी बने रहते हैं, ये एक पाप है। तो सेवा में इसके लिए भी स्थान होना चाहिए। तो ज्ञान की जो सेवा है वो भी सेवा है, अज्ञानी रहे नहीं, अज्ञानी रहने न दें, उसको ज्ञान दें और स्वयं ज्ञान प्राप्त करें, दूसरों को ज्ञान दें। इसके लिए विद्यालय चाहिए, इसके लिए सत्संग चाहिए, इसके लिए बड़े बूढ़ों का संग चाहिए, सभा सोसाइटी चाहिए। तो ये सेवा को अत्यंत स्थूल रूप न दिया जाए, उसके सूक्ष्म रूप को भी समझा जाए। स्वयं दुखी न हो, दूसरों को दुखी न हो रहने दें, अपना दुख मिटाने का जैसा प्रयास करते हैं वैसे ही दूसरों का दुख मिटाने का प्रयास करें, स्वयं सुखी रहें, दूसरों को सुख दें। इसके लिए ये जो बीच में विकृतियां आ गई हैं उनको छोड़ देना चाहिए। हमारा सामवेद है, सामवेद के अंतर्गत गांधर्व वेद, सुगर्भ वेद, गांधर्व वेद उसमें संगीत है, गाना राग रागनी के साथ, वाद्य है ताल स्वर के साथ, और नृत्य है जो एक प्रकार की भाषा है, वो जैसे कागज पर भाषा लिखी जाती है, इस प्रकार अपनी चेष्टाओं की भाषा से अपना भाव प्रकट किया जाता है और दूसरे तक पहुंचाया जाता है, और अपने भीतर जो सोया हुआ आनंद है उसको जागृत किया जाता है सिरकते हुए। और वो ज्ञान आपका, वो जीवन आपका, वो ज्ञान जो शांत बैठा हुआ है उसको नचाकर, उसमें थिरकन देकर आनंद प्रकट करने की जो कला है, संगीत है, वाद्य है, नृत्य है, अभिनय है, ये सब कला भी अपने जीवन में होनी चाहिए, जिससे हम सुखी रहें और दूसरों को सुखी कर सकें। एक सेवा है ये जो फूट डालते हैं बाबा,
ढेर, अपने पार्टी में आ गया तो दूध का धुला हो गया और दूसरे की पार्टी में चला गया तो गंदा हो गया, और इस तरह से फोड़ फाड़ करके और दुनिया में और गंदगी राग द्वेष फैलाना नारायण नहीं। फूटो मत और फोड़ो मत, संगठित रहो और संगठित करो। अब भेद की जो प्रक्रिया है वो हमारे जीवन में चालू है, उस सेवा को सीमित क्षेत्र में नहीं, वस्तुगत सेवा नहीं कि हम इतना अन्न देते हैं और इतना वस्त्र देते हैं और इतना मकान देते हैं, कि मानवता की केवल यही सेवा नहीं है, हृदय में सद्भावना की वृद्धि हो, बुद्धि में सद्विचार की वृद्धि हो, मनुष्य के जीवन में शांति संतोष आवे, परस्पर वैमनस्य न हो, संघर्ष न हो, युद्ध न हो और सब लोग शांति से रहें, तो सेवा के दृष्टिकोण को केवल मानवता तक ही नहीं, बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा कि जब आप धरती पर चलें तो पांव ऐसे न पटक के चलें कि जिससे धरती मैया को चोट लगे, ऐसे पांव न रखे हो। उन्होंने कहा आपको बुद्ध चर्या ग्रंथ ही है उनका, बौद्धों का, आप पलंग पर बैठे तो ऐसे न बैठे कि खाट को चोट लग जाए और वो टूट जाए, आप बिस्तर अपना साफ करें तो इस ढंग से न करें कि उसमें से धूल उड़ के दूसरे की आंख में पड़ जाए या बिस्तर ही फट जाए। तो एक एक वस्तु में सावधान जो रहना है, हमारे पांव जूता निकाले, एक महात्मा के पास कोई गया और देखा कठपुतिया के भीतर महात्मा बैठे हैं, बाहर निकाला जल्दी जल्दी जूता, एक जूता दूसरे पर चढ़ गया, भीतर जब घुसा तो किवाड़ में लगी चोट, खट से किवाड़ बोल गई, महात्मा जी के पास जाके प्रणाम किया, बोले कैसे आया है, कहा आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, तब पहले लौट निकल बाहर निकल और जूते को सीधा करके प्रणाम कर, ये किवाड़ी को जो चोट लगी है उससे क्षमा मांग और हमेशा के लिए सावधान हो जा। तो सेवा की जो प्रक्रिया है वो कोई साधारण चीज नहीं है, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य। जब आप मानवता को प्रांतों में बांट देते हैं तो सुविधा पहुंचाने के लिए बांटे, ये तो ठीक है, लेकिन ये मेरा तेरा करके लड़ाई करने के लिए बांटते हैं तो आप सेवा नहीं, कुछ सेवा करते हैं। जब आप मानवता में जातीयता का भेद करते हैं, सांप्रदायिकता का भेद करते हैं, प्रांतीयता का भेद करते हैं, पार्टी का भेद करते हैं, तो आप मानवता को काटने काटने छाटने के लिए अपनी सेवा प्रस्तुत करते हैं कि सचमुच व्यवस्था पूर्वक सबकी सेवा करने के लिए वैसा विधान बनाते हैं। तो ये सब सेवा की जो प्रक्रिया है, प्रकृति है, उसको समझ के मानवता की सेवा करनी चाहिए। हमें क्रिया में उतना आग्रह नहीं है लेकिन बुद्धि में और भावना में तो हमारा आग्रह है ही ना, इसलिए सद्भावना सद्विचार अपने जीवन में बना रहे और मानवता की सेवा के केवल स्थूल पहलू को न देखें और उसको अपने स्वार्थ वोट देने के लिए बंटवारा न करें। नारायण कि हमको ज्यादा वोट मिले इसके लिए बंटवारा न करें और तब मानवता की सेवा सच्ची मानवता की सेवा होगी। मनन और श्रद्धा इनके द्वारा पहले उस दृष्टिकोण को पहचानो कि उस गर्भकलाप का, उस क्रियाकलाप का मूल दृष्टिकोण क्या है, तब सेवा ठीक ठीक होगी।
और नहीं तो सेवा की जगह वो सेवा ही हो जाएगी। यदि बैर विरोध बढ़ा, फूट बढ़ी, तो फिर सेवा क्या होगी? तब तो युद्ध होगा। ओम शांति शांति। भारतीय संस्कृति के अनुसार सेवा का चार वर्णों में विभक्त वर्ण व्यवस्था, युद्ध, जन्मना की या करना। आज के संदर्भ में इस व्यवस्था की उपयोगिता क्या है? देखो जी, एक दिन कहा दिल्ली में गए एक सज्जन के घर, अब से 15-20 वर्ष पहले की बात होगी जरूर, हाँ 20-25 साल हो गए। तो उन्होंने उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि नया मोहल्ला बसा है, उसका नाम सेवा नगर है, विनय विनय नगर। मैंने कहा नाम तो बहुत बढ़िया है विनय नगर, और ये जो मोहल्ले बसे हैं उनके कैसे कैसे नाम हैं? तो उन्होंने चार नाम हमको बताए। सेवा नगर जिसमें चपरासी रहते हैं, विनय नगर जिसमें क्लर्क रहते हैं, और शान नगर जिसमें बड़े बड़े अफसर रहते हैं, शान नगर, और मान नगर जिसमें माननीय मंत्री गण रहते हैं। है? ये तो वर्ण व्यवस्था तो वो है जो तत्व का चिंतन करके जागृत अवस्था विराट विश्व शूद्र है, तो सूक्ष्म समष्टि की व्यवस्था तेजस हिरण्यगर्भ है स्वाप्निक स्वप्नावस्था के समान, और सुषुप्ति अवस्था के समान सुषुप्त स्थान ईश्वर प्राज्ञ है। इन्हीं को शूद्र वैश्य और क्षत्रिय कहते हैं, और पूरी अवस्था जो है वो नारायण ब्राह्मण अथवा सन्यासी के समान है, ज्ञान की प्रधानता से एक, शक्ति की प्रधानता से दो, भरण पोषण की प्रधानता से तीन, और कर्म की प्रधानता से चार। तो तात्विक दृष्टि से फिर अपने शरीर में मुख भाग, हस्त भाग, मध्य भाग और निम्न भाग, ये जैसे शरीर में ईश्वरीय सृष्टि का प्रभाव देखा जाता है, उस दृष्टिकोण से ये व्यवस्था बनाई गई थी वर्ण और आश्रम की। कालक्रम से, कालक प्रभाव से थोड़ा अंतर तो पड़ता ही है। ये जो जन्म और कर्म का विवाद है, अब तो इस समय कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोगों की जवानी में तो आज समाज और सनातन धर्म के लट इसी बात को लेकर चलते थे कि वर्ण जन्मना है कि कर्मणा है, वो मंच बनते थे, शास्त्रार्थ होते थे, मारपीट होती थी, लेकिन अब वो सब युग बीत गया। इसका शास्त्रीय दृष्टिकोण यह है कि तीन बात चाहिए, त्रीणि जस्यावदातानि योनिर् विद्या च कर्म च एतच्छिवे विजानीहि ब्राह्मणाग्रस्य रक्षणम्। क्या नाम है महाभाष्य में व्याकरण के दो जगह पर यह श्लोक थोड़ा पाठ भेद के साथ आया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जन्म से, ज्ञान से और कर्म से, इन तीनों से वर्ण व्यवस्था बनती है, क्योंकि परंपरा के ज्ञान का उपयोग भी होना चाहिए और उसके बारे में नया नया आविष्कार, नई नई जानकारी भी होनी चाहिए, और साथ ही उसका अनुष्ठान भी होना चाहिए। तो केवल कर्म के बल पर कोई वर्ण नहीं बन सकता, और केवल जन्म के बल पर भी कोई वर्ण नहीं बन सकता।
रक्त का प्रभाव तो सब पर होता ही है, कभी सुप्त रहता है कभी गुप्त रहता है। पटियाला में एक बालक अपने जेब में कैंची लिए लिए फिरता था, और यदि कहीं कोई गाय कोई बछड़ा उसको बैठा हुआ मिल जाए तो पुचकार के उसके पास पहुंच जाता और कैंची निकाल के कान काट देता था। वो ब्राह्मण का लड़का, उसकी माँ विधवा ब्राह्मण थी। ये बात जब लोगों ने देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ब्राह्मण का लड़का गाय का कान काटे, ये कैसे हो सकता है। फिर उन लोगों ने गुपचुप उसकी जांच का, उसकी खोज का काम लिया हाथ में, और उसकी विधवा माँ ने स्वीकार कर लिया कि ये एक मुसलमान का लड़का है। तो नारायण नाना नानी दादा दादी माता पिता पूर्व जन्म सबका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर थोड़ा थोड़ा रहता ही है। तो कर्म के प्रभाव से किसी के जन्म का प्रभाव दब जाता है, और जन्म के प्रभाव से किसी के कर्म का प्रभाव दब जाता है, और विद्या के द्वारा बुद्धि का जब निर्माण होता है तो बुद्धि का प्रभाव जीवन में आ जाता है। इसलिए नारायण इनमें से किसी एक के द्वारा ही वर्ण का निर्माण हो जाता है, ये मानना तो बहुत ही निर्बल चिंतन है। हमारे चिंतन में जो प्रौढ़ता चाहिए वो नहीं है, चिंतन तो समग्र ही होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग अपनी परंपरा के साथ जुड़े रखना चाहते हैं तो कभी एक पीढ़ी दो पीढ़ी वो दब भी जाए तो बाद में प्रकट हो जाता है, और कर्म का प्रभाव तत्काल ना हो तो बाद में हो जाता है। विद्या भी समय पर काम देती है, इसलिए तीनों ही प्रकार के लोग हो सकते हैं, और उनमें भी विशेष आग्रह न करके यदि कोई अपने को ब्राह्मण मानकर ब्राह्मणोचित आचार का पालन करता है तो हम उसको गाली नहीं देते हैं, उसका आदर ही करते हैं। हमको कई वैश्य ऐसे मिलते हैं वृंदावन में जिनकी चोटी भी बड़ी है, माला भी पहनते हैं और संध्या गायत्री भी करते हैं, तो देख के पहले तो ये मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण है। एक बार बुद्धि कहती है कि ब्राह्मण है, जब वो स्वयं प्रणाम करके कहते हैं महाराज मैं वैश्य हूं, तो इनमें एक अपना जो अहम है, मैं अपना है, वो कहीं टिकता है कि नहीं टिकता है। यदि आप घर का पाखाना साफ करते समय भंगी हो जाएं, और यदि व्यापार करते समय वैश्य हो जाएं, और नारायण घर में पहरा देते समय आप क्षत्रिय हो जाएं, और पाठ करते समय आप ब्राह्मण हो जाएं, और दिन भर में 5-7 वर्ण आपके हैं तो चार ही बदलते रहेंगे, तो कौन सी व्यवस्था बनेगी। इसलिए यदि वर्ण धर्म में निष्ठावान हो करके, आप एक वर्ण में निष्ठावान हो करके उसका जो कर्तव्य है उसका पालन करें तो सचमुच आप वर्ण का अभिप्राय समझ जाएंगे। ये बात केवल वर्ण के संबंध में ही नहीं है, वृक्षों में भी 4 वर्ण होते हैं नारायण, इसमें भी पीपल ब्राह्मण है बोला, इसमें तुलसी ब्राह्मण है नारायण, इसमें आम जो है वो वैश्य है, और शीशम है, शीशम है ये क्षत्रिय है, और इसमें भी जो बबूल है वो शूद्र है, और सबकी जरूरत पड़ती है, ये नहीं है कि किसी की जरूरत न पड़े। ऐसे पशुओं में भी घोड़े में और गाय में जो फर्क है क्या उसको आप नहीं देखते हैं। एक गधे का काम अलग होता है, घोड़े का काम अलग होता है, गाय का काम अलग होता है नारायण। तो पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में
नारायण, ये चार चार तो सर्वत्र भरपूर हैं और किसी में किसी की प्रधानता है, और पांच भूत सबके शरीर में हैं और परमेश्वर का अंश सबके शरीर में है, और देह की उपाधि निकाल देने पर सब के सब परब्रह्म परमात्मा है। आप अपनी निष्ठा को पक्की कीजिए, जो अपने को हिंदू मानता है वो हिंदू है, जो अपने को मानव मानता है वो मानव है। हमारे धर्म का निश्चय ही हमारा अहम भाव कहीं स्थिर करके तब होता है। आप आत्मचिंतन से प्रारंभ करेंगे तो सारी की सारी व्यवस्था बैठ जाएगी, और कोई भी बात किस दृष्टिकोण से कही गई है पहले अनुकूल उसका मनन करके उसके बाद फिर काट दीजिए। काटने में हमको कोई संकोच नहीं है, परंतु पहले जिस दृष्टिकोण से वो बनाई गई है, कही गई है, यदि वो आपको अच्छा लगता है तो उसके उच्छेद का प्रयास मत कीजिए। उसमें जो सद्भाव है, जो दिव्य विचार हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए और वो आपके जीवन में आएगा। ओम शांति शांति शांति। अस्पृश्यता या छुआछूत भारतीय समाज में कैसे शास्त्रीय मान्यता प्राप्त कर सकी? सिद्धांत में सभी प्राणियों में एक परमात्मा को स्वीकार करना और व्यवहार में इतना भेदभाव करना जो असंभव है, क्या अस्पृश्यता का सर्वथा त्याग और मंदिरों में भी हरिजनों का प्रवेश उचित नहीं है? ऐसा है नहीं, ठीक है, अपने को कोई बात नहीं, अपनी अपनी समझ में जो है वो तो हम बता ही देंगे। अब उसको सब लोग माने ये तो कोई जरूरी नहीं है। देखो, हमें अपने बचपन की याद है, हम 7 वर्ष 8 वर्ष के होंगे तो हमारी माँ के पास जाना हमारा रोग दिया जाता था। वो एक घर में कंबल बिछा के, वो रुई के कपड़े पर नहीं, कंबल बिछा के उस पर बैठती थी, और उनको पत्ते में या मिट्टी के बर्तन में भोजन दिया जाता था, और वे बड़ी प्रसन्नता से वहां बैठती थी और समझती थी कि हम एक बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, कि किसी को छू नहीं रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, या पति से मिल नहीं रहे हैं। इस बात को वो बड़ा पवित्र और धर्म का कार्य समझती थी कि देखो हमारे घर में कितनी धर्मनिष्ठा है। तो उनकी जो उस समय की अस्पृश्यता थी वो घृणा नहीं थी, वो अपने जीवन में पवित्रता बनाने की एक प्रक्रिया थी, कि जैसे मल मूत्र का त्याग होता है वैसे शरीर में जो मलिनता रहती है वो इस समय निकल रही है, उसके लिए हमारा सबसे अलग रहना ठीक है। और उस समय चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर पर, ये चंद्रमा जो है ये जैसे समुद्र में ज्वार लाता है, इसी प्रकार नारायण शरीर में भी ज्वार लाता है, तो इससे ललित भावनाओं का उदय होता है, और विशेष करके उस समय तो उसको संयम में रखने के लिए अनेक प्रक्रिया बताई गई। तो अस्पृश्यता माने घृणा ही है, ये बात तो हमारे क्या नाम है वोट बटोरने वालों की कृपा से समाज में आई कि अस्पृश्यता माने घृणा। हम भी पहले बनारस में ऐसे बाथरूम नहीं होते थे जैसे अब होते हैं, तो हम लोग बाथरूम में जाते और फिर वहां से निकलने के बाद वो कपड़े छोड़ देते और लाल अंगोछा पहन के और चले जाते गंगा स्नान करके, तब आते। अब वो हमारे कपड़े जो अस्पृश्य हो जाते वो कोई घृणा नहीं, वो हमारी पवित्रता की भावना को उज्ज्वल करने के लिए होते थे।
तो हम अपने को भी हमारे याद में, हमारे पिता की मृत्यु हुई थी, हमारे पितामह ने दाह किया था, तो वे 10 दिन तक बिल्कुल अलग बैठते थे तख्ते पर, कंबल बिछा के, किसी को स्वयं नहीं छूते थे, एक लौ भी उनके पास रखा जाए। तो ये जो अस्पृश्यता है, इसमें हमेशा नीच भाव होता है, घृणा होती है, ऐसा तो नहीं है। ये तो लोगों को समझाया हुआ है और स्पृश्य का विचार मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, और वो किसी के प्रति घृणा नहीं है, नीच भावना नहीं है, बल्कि आत्मीयता है। इसी से इस भावना को तोड़ने के लिए पहले एक पद्धति थी कि होली के दिन और होली के दूसरे दिन बसंतोत्सव के दिन सबका स्पर्श करना, ये धर्म माना जाता था, सब एक दूसरे को धर्म स्पर्श करें। तो ये बात अलग हुई, हम अस्पृश्यता का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उसमें जो दृष्टिकोण था हमारे ऋषियों का, शास्त्रों का, उसके प्रति जो लोगों का ये भाव है कि उसमें बड़ी घृणा थी और बड़ा द्वेष था और दूसरे को नीच बनाना था, वो बात नहीं है, उसमें बड़ी उत्तम भावना थी। अब युग बदल गया तो नारायण अब यज्ञशाला में बैठ करके यज्ञ करने का युग नहीं है, अब तो नारायण फैक्ट्री में और मिल में बैठ करके लोगों को कपड़ा देने का और अन्न देने का और ये सब आवश्यक वस्तुएं देने का यज्ञ हो रहा है। तो जब यज्ञ का वो रूप बदल गया जो यज्ञशाला में था, और फैक्ट्री में यज्ञ का रूप आ गया, तो वहां तो अस्पृश्यता नहीं रहेगी। खेती में हम भी खेती करते थे, हमने 17-18 बरस की उम्र में, 19-20 बरस की उम्र में भी खेती का काम अपने हाथ से किया है। तो हमको खुदाई करना भी आता था, सिंचाई करना भी आता था, पानी भरना भी आता था, बीज बोना भी आता था, ये सब काम हम अपने हाथ से कर लेते थे। तो नारायण उस समय जो हमारे साथ हमारे दुख काका रहते थे, वो हमको खूब मजे से हमारी छू छू के सहायता करते थे। हमारे साथ नारायण पानी सिंचाई करते थे, हमारे साथ दवा दाई करते थे, और हमारे साथ खेत में वो करते हैं बराबर, सब काम हमारे साथ करते थे। और हमने एक बार कह दिया, अपने मुंह से बुलाया दुख हुआ, तो हमारे पितामह ने तुरंत कहा, नहीं, उम्र में तुमसे बड़ा है और तुम्हारे पिता के समान है, इसको दुख हुआ मत बोलो, काका बोलो, बोला दुख काका बोलो इसको। तो ऐसा प्रेम था, ऐसा परस्पर था महाराज, जिसकी कोई हद नहीं। ये जो अस्पृश्यता के साथ नीचता और घृणा की भावना जोड़ी गई, इसलिए वो गलत हो गई। हम लोगों का तो कितना प्रेम था, खाना पीना रहना सहना मिलना जुलना, और वो हमारा भ्रष्ट राजनीति ने उसको दूर कर दिया। अब रही बात मंदिरों में, तो हमको स्पष्ट रूप से बताया गया, किसने बताया ये तो आपको नहीं बताएंगे। मंदिर में जाने से किसी को पाप नहीं लगता, जो मंदिर में मूर्ति के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जाता है, उसको पाप नहीं लगता। भगवान सबके पिता हैं, सृष्टि के सब मनुष्य उनके पुत्र हैं, और सबको अपने पिता के दर्शन का, अपने पिता के पूजन का अधिकार प्राप्त है। भगवान की ओर से कोई मनाही किसी के लिए नहीं है। अब रही बात ये कि जो लोग अपने खास तरह का नियम लेकर के
और अपने मंदिरों में बैठ करके पूजा करते हैं, उनके लिए जो विधि विधान है वो उनके अपनी पूजा का है और उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे जैसी पवित्रता और विधि विधान से पूजा करते हैं उनको करने देना चाहिए। केवल ये जताने के लिए कई मंदिर हमारे सामने खोले गए हरिजनों के जाने के लिए, तो जो दिन नेता लोग निश्चित कर देते हैं कि इस दिन इनका प्रवेश कराएंगे, उस दिन तो बड़े बाजे गाजे के साथ झंडा लेके प्रवेश करते हैं और बाद में कोई जाते नहीं है, न मन में श्रद्धा है न भावना है। यदि मन में श्रद्धा हो और भावना हो तो सबको भगवान की पूजा करने का और भगवान के मंदिर जाने का अधिकार है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि कोई विशेष प्रकार का अनुष्ठान या पूजा कर रहा है तो उसमें हस्तक्षेप किसी को भी नहीं करना चाहिए। केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण कि हमको वोट बहुत ज्यादा मिलेगा, जो विधि विधान है उनमें बाधा डालना नहीं चाहिए। ये स्वार्थ की प्रेरणा से लोग उसमें बाधा डालते हैं या दिखावे के लिए। तो हमारा कहना ये है कि जिसके हृदय में सचमुच मंदिर में मूर्ति में श्रद्धा हो भक्ति भाव हो उनको वहाँ जाकर दर्शन पूजा करना चाहिए और केवल अपना लौकिक अधिकार दिखाने के लिए दूसरे के साथ क्या नाम है जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप किसी पारसी के नारायण अग्यारी में जाइए, देखो आपको वहाँ जाने देता है कि नहीं, मस्जिद में जाइए जाने देता है कि नहीं। तो नारायण जहाँ भी विधि विधान के साथ पूजा होती है वहाँ जो श्रद्धालु होते हैं उनका ही प्रवेश होना चाहिए। केवल राजनीतिक समानता दिखाने के लिए ये सब उपद्रव नहीं करना चाहिए। नारायण वोट लेने का युग है, जैसे लोगों की तारीफ हो, आप बहुत बड़े हैं, ये बड़े लोग तो महाराज खुशामद के ऐसे बस में होते जा रहे हैं कि अपनी तरफ देखते नहीं है, केवल खुशामदी खुशामदी लोगों का राज जेल के यहाँ होता होता जा रहा है। तो देखो मंदिर में पूजा करने का अधिकार सबको है, जाने का अधिकार दर्शन का अधिकार सबको है, इसमें पाप नहीं है, इससे भगवान की भक्ति बढ़ती है। और जहाँ हम लौकिक व्यवहार संबंधी काम कर रहे हैं वहाँ स्पृश्यता अस्पृश्यता का भेद नहीं होता है, परंतु जिसकी पद्धति जैसी है। राजेंद्र बाबू शराब नहीं पीते थे, जब विदेश में गए तो वहाँ की रिवाज है कि पार्टी होती है तो शराब दिया जाता है और उनके पास भी शराब रखा गया और उनके साथ जो लोग थे बाबू ने तो राजेंद्र बाबू ने शराब उठा ली हाथ में जैसे पीने जा रहे हो। उनके साथ वाले ने आगे कहा कि आपके लिए शराब पीना मना है और डॉक्टर ने मना कर रखा है, ले लिया उनके हाथ में से। आदर भी हो गया वहाँ की पद्धति का और अपने धर्म की रक्षा भी हो गई। तो नारायण बहुत सावधान जो लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं वे अच्छे माने जाएंगे। आप श्रम कीजिए वस्तुओं की शुद्धि के लिए, उसमें स्पृश्यास्पृश्य नहीं है, कपड़े बनाने में सीमेंट बनाने में धुलाई करने में मकान बनाने में उसमें स्पृश्यास्पृश्य नहीं होता है। वो नाव पर स्पृश्यास्पृश्य नहीं होता है, हवाई जहाज में स्पृश्यास्पृश्य नहीं होता है। अपने घर के लोग भी आपस में वहाँ स्पृश्यास्पृश्य करें कि ये जरूरी नहीं है नारायण। लेकिन जहाँ व्यक्तिगत अपने मंदिर की पूजा की बात है भोजन की बात है वहाँ जिसकी जैसी परंपरा चली आई है धर्मानुसार उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। ये अपमान नहीं है, बल्कि दूसरे के और अपने धर्म का सम्मान अपने सम्मान है। ओम शांति।